जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आईटी मौजूदात पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त सबसे जो टॉप पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो एक अजीबोगरीब ट्रेंड है, और वो ट्रेंड है नौरीन रो रही है। ये ट्रेंड कहाँ से तख्लीक हुआ, इसको किस प्रोग्राम में डिस्कस किया गया, नौरीन फारूक खान है कौन, इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक क्या है, मामलात क्या है जिसके ऊपर इनकी जाहिर है ट्रोलिंग शुरू हो गई बड़े पैमाने पर, तो असल किस्सा क्या है, नौरीन क्यों रो रही हैं और उनको रुलाने वाले कौन है। बड़ी दिलचस्प सी ये स्टोरी है। इस स्टोरी पे हमें ये भी समझ आएगी कि सोशल मीडिया बाज़ात किस तरह रिएक्ट करता है और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। बात का आगाज कहाँ से हुआ, बात ख़त्म कहाँ पर हो रही है, ये किसी को पता नहीं चलता। दूसरी जो खबर आज के प्रोग्राम में वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे, वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बख्तर बंद गाड़ी पर खड़े होकर एक खिताब किया। उन्होंने कहा, मैं कौम को कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। उतनी देर में पुलिस वाले पहुँच गए, पुलिस वालों ने अपना पैगाम दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को पैगाम देने की इजाज़त दी गई, वीडियो रिकॉर्ड हुई, फिर पुलिस वाले धक्के मारते उन्हें गाड़ी में ले गए, वहाँ पर भी उनको थोड़ी बहुत बात करने की इजाज़त दी गई। ये क्यों हो रहा है? इसका एक एंगल तो ये है कि किसी भी सियासी रहनुमा को इस तरह डंडा डोली करके नहीं लेके जाना चाहिए। इसका दूसरा एंगल भी है, अगर कुछ लोग चाहें तो शाह महमूद कुरैशी की शक्ल भी लोगों को बरसों नजर ना आए, लेकिन मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, खिताब को होने दिया गया, पुलिस वालों की डंडा डोली करते हुए दिखाया गया, उस सब के बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने अपने तई बड़े दलेराना तरीके से खिताब किया। इसका एक और मतलब है, इसका एक ये मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी को हीरो बनाया जा रहा है और मुस्तकबिल में इनसे कुछ ऐसा काम लेना मकसूद है जो इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके। ये खबर तहरीक इंसाफ वालों के लिए ज़्यादा अहम है बजाय दूसरी जमातों की, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी का प्रोफाइल बढ़ाया जा रहा है। ये उसी तरह की बात है, शेख रशीद साहब को याद है आपको कि शेख रशीद साहब को भागते हुए दिखाया और वो जनाब पता नहीं फिर जीप के ऊपर हाँपते काँपते उन्होंने सिगार लगाया, तो वो बंदे तो टोटल चार थे, लेकिन उस वक्त जिस तरह मीडिया पे वीडियो चली, लगता था पता नहीं कुफार का लश्कर जो है शेख रशीद के पीछे है, तो बंदे तो चार थे, गली में दौड़े थे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये प्रोफाइल बनाए जाते हैं, ये तहरीके इंसाफ को सोच रहे हैं, मुझे नहीं सोचना कि शाह महमूद कुरैशी का प्रोफाइल क्यों बनाया जा रहा। तीसरी बात, आज इंतखाबात आने वाले हैं, 8 फरवरी अब जो डेट है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। हम थोड़ी सी बहस इसमें ज़रूर करेंगे कि इंतखाबात में असल मुकाबला किसका है, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई का इलेक्शन है, क्या ये नून लीग वर्सेस पीटीआई इलेक्शन है, क्या पीडीएम की पार्टीज़ आपस में दस्तों गिरेबान है, यानी दाईं जानिब कौन खड़ा है, बाईं जानिब कौन खड़ा है, दोनों बुनियादी फरीक कौन से हैं। तो ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, पहले आ जाते हैं जनाब हम के नौरीन रो रही है। मैंने ये सारा किस्सा चला कहां से और ट्रोलिंग शुरू हो गई। ARY न्यूज का एक प्रोग्राम है, हमारे बहुत अच्छे काबिल कदर दोस्त हैं हसन अयूब, और वो उस प्रोग्राम में एक तजियाकार के तौर पर बैठते हैं। प्रोग्राम का नाम है द रिपोर्टर्स, और साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब उनके साथ बैठते हैं, खावर घुमन साहब उस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। उसके दौरान कुछ इस तरह की बात हुई कि हसन अयूब खान ने कहा कि नौरीन तो अब भी रो रही है, वो तो पीटीआई की हमेशा से मेंबर थी, और इस तरह की बात की। अच्छा, ये जुमला पकड़ लिया, जुमला तो कोई भी पकड़, मीम बनाने के लिए। फिर कोई चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हाथों की जुम्बिश दिखा रहा है, कोई जब हसन अयूब बोल रहे थे तो उस वक्त
क्या उनकी फीलिंग थी, कोई लतीफे बना रहा है, कोई जुकते मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, बस किसी को सूरत हाल का नहीं पता असल सूरत हाल क्या है, नौरीन कौन है और वो क्यों रो रही है। मैंने कहा मैं बजाय इसके कि इस ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर आदमी यही सोचता रहे कि ये ट्रेंड क्यों टॉप पे हो गया, मैंने इस सिलसिले में हसन अय्यूब को फ़ोन किया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनसे बात की, बात कुछ समझ आई और वो मैं आपको भी समझा दूँ ताकि आप भी उस ट्रेंड का अनदेखे हिस्सा ना बन जाए। नौरीन फारूक खान का ताल्लुक सिंध कराची से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है। ये 1999 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, 2003 में ये सदर कराची विमेन विंग मुंतखब हुई, यानी उस वक्त से इमरान खान के तहरीक इंसाफ और जो सुनामी आ रहा था उसका हिस्सा है। 2005 में इनकी तरक्की हुई पार्टी में और ये सिंध की विमेन विंग की सदर मुंतखब हुई। पहले 99 में इन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल हुई, 2003 में सदर कराची विमेन विंग, 2005 में सिंध विमेन विंग, 2009 में इन्होंने पीटीआई लेबर विंग जो है वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा, 2020 में ये लेबर विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हुई, बड़ा अच्छा होता है। और अच्छा, 12 मार्च को चौधरी सरवर, चूंकि चौधरी सरवर भी पीटीआई में थे और उनके साथ इनके अच्छे मुरासिम थे, चौधरी सरवर ने इन्हें एक डिनर पे बुलाया और काफ लीग की तरफ से वो डिनर था, जाहिर है आपके सियासतदानों के आपस में मुरासिम होते हैं तो ये उस डिनर पे चली गए और वहाँ पर चौधरी सरवर ने ये ऐलान किया कि ये जी काफ लीग में शामिल हो रही है। इन्होंने काफ़ी इनकार किया, लेकिन आप भी किसी फंक्शन में इस तरह फंस जाए तो मुश्किल हो जाता है इनकार करना, इन्होंने कोई नीम रजामंदी, नीम इनकार, नीम इस तरह की कोई बात की। अब तहरीक इंसाफ वालों ने शोर मचा दिया, नहीं हाँ इससे पहले एक और बात, फिर जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जिसमें गौहर खान चेयरमैन मुंतखब हुए, अब इस खातून ने अकबर एस बाबर के तहत के साथ जो है उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया, इसलिए कि वो समझती है कि एफर्ट हमने की, जान हमने मारी, पार्टी के लिए जिंदगी हमने गिला दी और उसके बाद हम गौहर खान और शेर अफजल मरवत और पता नहीं कौन कौन ये पार्टी के चैंपियन बन गए, तो हमारी 1999 की जद 24 साल हो गए हैं इनको पार्टी में, हमारी जद्दोजहद का क्या बनेगा। और एक लिहाज से इनका क्लेम भी सही है, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे बिल्कुल उस पर एतराज सही ये है इलेक्शन कमीशन का, अकबर एस बाबर का। मैं आपको सही सूरत हाल बताता हूँ, 100 लोगों की नशिस्तें लगाई गई थी पंडाल में, 7 लोग उस पर बैठे थे, उसके अंदर ओहदे शोहदे बांट के इन्होंने कहा जी कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, ये चेयरमैन गौहर खान होंगे। इस तरह नहीं होता, कारकुनों की जो मेहनतों का सबर मिलना चाहिए। इसके अलावा भी नौरीन काफ़ी एक्टिव रही हैं, इन्होंने 11 मई को मुलाकात जो है अलीमा खान से भी इनकी मुलाकातें रही हैं और इनके पास हजारों वीडियोस हैं, तस्वीरें को गलत वीडियोस ना समझ लेना भाई, इनके पास वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने जो इमरान खान के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम में किए हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं, जाहिर अपना कायद थे वो इनके तो उनके साथ हुए। अब जो ये सारे सबूत हैं उनके पास कि 1999 से, बैरिस्टर गौहर के पास ऐसा एक सबूत नहीं है, तो इनका क्लेम बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी पे इनका भी हक बनता है। अकबर एस बाबर कहते हैं पार्टी का मंशूर मैंने लिखा, बाद में इमरान खान और मेरे पड़ोसी थे अकबर एस बाबर के जमाने, वो कहते हैं कि हर प्रोग्राम को करने से पहले, ये उस जमाने की बात है जब इमरान खान को टीवी प्रोग्रामों में बुलाया बड़ी मुश्किल से जाता था, तो उस जमाने में हर प्रोग्राम से पहले अकबर एस बाबर ब्रीफिंग दिया करते थे कि इमरान खान ने बोलना क्या है, तो ये वहाँ पे सूरत हाल, तो उन लोगों के साथ इमरान खान ने दगा किया, वो दगा देने की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है तहरीक इंसाफ की। अच्छा, तो नौरीन को उनका हक नहीं मिला, नौरीन इस वजह से रो रही थी और उनका सोशल मीडिया पे दबा के मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही हैं और उनका 24 साल की मेहनत है लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी की बात कर लेते हैं,
हो सकता है कभी खुद सोचें यार आप कि आप हिरासत में हो और हिरासत भी 9 मई वाले हवाले से हो और आप बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाए, तसल्ली से बात करें, वलवला अंगेज खिताब करें और मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो, फिर पुलिस डंडा डोली करके आपको गाड़ी में डाले, ये मनाजिर सारे रिकॉर्ड हुए जाए। अगर पुलिस और एजेंसीज चाहें इसमें से एक सेकंड का क्लिप भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये रिकॉर्ड होने दिया गया, ये क्लिप बाहर होने दिया गया। शाह महमूद कुरैशी इस गुफ्तगू इस क्लिप के बाद मुझे पीटीआई के मुस्तकबिल के चेयरमैन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोफाइल बढ़ाया जा रहा है, उनका कद बढ़ाया जा रहा है और वो कोई ऐसे दिलेराना लीडर नहीं है। इनकी हिस्ट्री जाए, ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम है, अंग्रेज़ों के जो है जूते चाटते हुए इन्होंने जागीरें हासिल की, मज़ारों के पैसे इकट्ठे किए, ये उसी तरह के मखदूम हैं। तो ये अचानक कहाँ से इतने दिलेर हो गए? इनको एक ख़ास तरीके से प्रोपगेट किया जा रहा है कि बड़ा दिलेर आदमी है। जैसे शेख रशीद, जब उसको दिलेर दिखाना था तो 4 आदमियों के साथ उसकी दौड़ ऐसे दिखाई जैसे पता नहीं कहाँ से भाग रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल 3 का कोई सीन लग रहा था। लेकिन जब पकड़ना था तो फिर शेख रशीद साहब माफिया मांगते हुए हमारे सामने भी आए, वो सारा मंजर हम सब ने देखा। अच्छा, एक आखिरी मौजू जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगला इलेक्शन बुनियादी तौर पर मुकाबला किसका है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई का इलेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बुनियादी तौर पर नून लीग वर्सेस पीटीआई का मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं पीडीएम की जमातें आपस में दस्तों के रहबान हैं। मैं इस बात को इस तरह नहीं देखता। मेरे ख्याल में ये अगला इलेक्शन बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया की ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ का इलेक्शन है। ये फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ का इलेक्शन है। ये इस बात का इलेक्शन है कि ऑनलाइन पावर शो आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ग्राउंड पर किया हुआ जलसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जलसे में आया हुआ कारकुन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका जोश जज्बा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो ऑनलाइन क्लिक्स शेयर्स रीपोस्ट वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस शिद्दत के साथ फेक न्यूज़ फैल रही है कि अब समझ नहीं आ रही कि रियल क्या है और फेक क्या है। तो वो अगर जो इल्यूजन जो सोशल मीडिया क्रिएट करता है, जो इबहाम क्रिएट करता है, किसी भी खबर को पकड़ ले, किसी भी खबर को, कल को ये किसी बड़े सियासी लीडर के बारे में कह देंगे कि फर्ज करें कि ये जो है मुसलमान नहीं, कोई आदमी कैसे प्रूव करे, कोई औरत कैसे प्रूव करे, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे चल चुकी हुई है बात। जब तक आप कुछ सच बात करते हैं उस वक्त तक और इनका झूठ प्रूव करते हैं तो वो जो है सही बात आने तक ये और झूठ बोल चुके। अभी देखिए हमारे दोस्त हैं फखर दुरानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, सारा कच्चा चट्टा खोल दिया, रौला मचा हुआ है इस वक्त मार्केट में कि तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और ये वो कयामत मची हुई है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट चेक उन्होंने किया, उन्होंने कहा 2018 में तहरीक इंसाफ ने टोटल उम्मीदवारों ने 793 कुछ लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जब इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी, अदलिया भी इनके साथ थी, मीडिया भी इनके साथ था, ब्यूरोक्रेसी भी इनके साथ थी। उस वक्त 700 प्लस इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए और अब जब नारा ये सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, हमारे पेपर छीने जा रहे हैं, हमें पकड़ा जा रहा है, उस वक्त 2400 प्लस कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के जमा हो चुके हैं। सीरियसली
अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए, सोचिए कि ये टूल जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं कितना पावरफुल हो चुका है। इलेक्शन रियलिटी की बात है, एक बंदे ने जाना है, वोट पर ठप्पा लगाना है, बैलेट बॉक्स में डालना है। इसमें सोशल मीडिया उसके जहन को तो इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन उसकी जगह वोट नहीं डाल सकता। तो सोशल मीडिया जहनों को इन्फ्लुएंस करता है, किस हद तक करता है ये इस इलेक्शन में पता चलेगा। और ये बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया की हाइप और ग्राउंड रियलिटीज का इलेक्शन है, ये फेक न्यूज और सच्ची न्यूज का इलेक्शन है, ये अल्यूजन का, गुमान का, ख्वाब का, ख्याल का रियलिटी के साथ मैच है। ग्राउंड रियलिटीज मैटर ही नहीं कर रही। चार बंदे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं लाखों का जलसा हो गया। जो लोग ग्राउंड पे होते हैं कहते हैं बंदे तो चार थे। अब जो सिचुएशन आने वाले दिनों में आ रही है, क्या सोशल मीडिया उसके अंदर रोल प्ले करेगा? मसलन कोई कामयाब जलसा हुआ जो तहरीके इंसाफ की पसंद का नहीं था, उसके अंदर से एक कीड़ा निकालेंगे कि किसी औरत का दुपट्टा खींच लिया, किसी बच्चे को कुछ कर दिया, किसी को, वो खबर इतनी फैला देंगे कि वो जो 2 लाख लोग जमा हुए हुए थे वो सेकेंडरी बना देंगे। तो ये बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। और ये तस्लीम कर लेना चाहिए सारी सियासी जमातों को, अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ प्ले कर रही है। बाकी सियासी जमातों ने अपने छोटे छोटे विंग्स बनाए हुए हैं लेकिन वो विंग्स इतने कारामद नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अभी काम शुरू किया। ये 20 साल पुराने पापी मुजरिम हैं, इनका काम ही ऑनलाइन है, इनका जलसा ऑनलाइन, इनके मातम ऑनलाइन, इनकी खुशियां ऑनलाइन, इनकी ईद ऑनलाइन, सब कुछ इनका ऑनलाइन है। ये ट्रेंड ही ऐसे है। और इसमें यूट्यूबर हो या ट्विटर पे लोग हो, वो क्यों शामिल होते हैं या फेसबुक पे क्यों तरीके इंसाफ के साथ होते हैं? इन सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं। यूट्यूब पे आप डालें, व्यूज़ कन्वर्ट होते हैं पैसों में, डॉलर्स में। तो एक बच्चा फर्ज कीजिए जिसका पॉलिटिकल स्टांस न्यूट्रल है और वो यूट्यूब पे को अपना काम शुरू करना चाहता है, तो वो बेशक नून लीग के हक में हो या JUI के हक में हो या पीपल पार्टी, लेकिन अगर उसने पैसे कमाने हैं तो वो PTI के हक में करेगा क्योंकि चलाते यही हैं, डॉलर उसको वहीं से नसीब होंगे। ये स्ट्रेटजी पर दूसरी सियासी जमातों को काम करना चाहिए था। बहुत दफ़ा सजेस्ट भी किया लेकिन किसी ने काम नहीं धरा। अब उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।